हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। वेलकम। थाना क्षेत्र में डबल हत्या के मामले में स्पेशल स्टाफ की टीम ने ज्योति नगर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर पूर्व जिला के DCP डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने मीडिया को बताया कि 11 जुलाई की तड़के सुबह 2:15 बजे के आसपास वेलकम थाने को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सुभाष पार्क एक्सटेंशन गली नंबर 6 में एक व्यक्ति को गोली मार दी है। हम बता दें कि PCR कॉल प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि डायरेक्ट सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां एक 40 साल के व्यक्ति की हत्या की गई थी जिसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तभी पता चला कि वहां से 300 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति को और गोली लगी, जो कि 2 गोली लगी है। जांच में पता चला मृतक दोनों ही दोस्त हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था जहां DCP ने बताया था कि जिले की कई टीमें इसमें शामिल कर दी और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्व जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी आरोपी के बारे में। पुलिस टीम ने जाल बिछाया था जो कि बुधवार की रात 10:48 पर आरोपियों के साथ ज्योति नगर थाना क्षेत्र में उत्तर पूर्व जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम की मुठभेड़ हुई थी, जहां पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली मारी थी, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और दोनों को गिरफ्तार किया है। आगे DCP ने बताया कि आरोपियों की पहचान पहला शहबाज उर्फ सिब्बू निवासी इंदिरा चौक जाफराबाद का, इसकी उम्र 22 साल है। दूसरा मिसवा निवासी मरगाजी चौक जाफराबाद का, इसकी उम्र 21 वर्ष है। इन दोनों को गिरफ्तार किया है। आगे DCP ने यह भी बताया कि आरोपी सहवास के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के मामले भी शामिल हैं। वह पिछले महीने ही जमानत पर बाहर आया था। दूसरा मिसवा पर भी कई मामले दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। ये पिछले महीने भी जमानत पर बाहर आया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आगे ये भी बताया कि 302/34 IPC के साथ 25 और 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया है। बहरहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।